इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया कि इतने देवताओं की पूजा एक भी दिन ना छोड़ो, भगवान गणेश को रोज पूजो, नहीं तो कार्य में विघ्न आ ही जाएंगे। गणेश जी विघ्नों को दूर करते हैं, बुद्धि को ठीक रखते हैं। ऐसे पुराण में लिखा है विघ्नेशा आदित्य विष्णु नाम, आदित्य कहते हैं सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिया करो। यदि आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो सूर्य पुराण में लिखा है कि किसी दिन आपका कोई व्रत किसी कारणवश छूट भी जाता है तो व्रत छूटने का अपराध उन्हें नहीं लगता जो रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ दे। यह महिमा भास्कर की है, यह भगवान की बहुत बड़ी महिमा। ले गए आप एकादशी करते हैं, कोई बुखार आ गया, बीमारी और किसी न किसी प्रकार से, या अनजान में आपका व्रत टूट गया। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि ऋतुकाल में यदि नारी तुलसी के वृक्ष के सामने से निकल जाती है, देव प्रतिमाओं के सामने से निकल जाती है, तो पेड़ सूख जाता है। तो इस अपराध का प्रायश्चित क्या होता है? इस अपराध का प्रायश्चित यही होता है कि सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम किया जाता है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। अनजान में होने वाले जो अपराध हैं सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने से ये रोज की रोज समाप्त होते रहते हैं, ये इकट्ठे नहीं होते। जितना जरूरी हमारे और आपके लिए प्राणों को बचाने के लिए भोजन पानी ये सब जरूरी है, उतना ही जीवन को बचाने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ देना उतना ही जरूरी है। हम लोग 365 दिन अर्घ देते हैं, कहीं भी रुकें कहीं भी रहें अर्घ रोजाना। तो ये पूजा में बड़ी प्रमुखता है भगवान भास्कर को अर्घ देना। हनुमान जी ने तो सूर्य भगवान को अपना गुरु बना लिया। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज नित्य भगवान सूर्य की आराधना अर्घ देते थे। जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उन्हें गायत्री मंत्र जपने का फल प्राप्त होता है। मेरी बात मान लो, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। गायत्री मंत्र जप करने का सबको अधिकार नहीं है, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ देना ये सबके अधिकार में है। अपने बच्चों को बोलिए, किसी कथा में मैंने बोला था कि बच्चों के लिए दो काम आप कराएं, एक सूर्य अर्घ और एक हनुमान चालीसा का पाठ, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, बच्चों की तरक्की हो जाएगी। और बच्चों की तरक्की होगी तभी तुम भजन कर पाओगे, तभी बुढ़ापे में तुम चैन से जी पाओगे। जब बेटा बहू में झगड़ा ना हो, उनको काम मिल गया हो, ठीक से पैसा कमाते हो, घर ठीक से चलाते हो, तो चार की जगह पर 40 माला जपोगे आप। और बच्चे ही दुखी हैं तो ना काशी अच्छी लगेगी, ना पुष्कर अच्छा लगेगा, ना हम अच्छे लगेंगे, ना कोई और अच्छा लगेगा। जीवन में परिवार सुखी है तो भजन करने में भी बहुत आनंद आता है। संस्कार अपने बच्चों को क्यों नहीं देते? आज हमारे अवार्ड को सुनने वाले लाखों बच्चे, हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लाखों बच्चे प्रातः रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो सूर्य भगवान के अर्घ के लिए तांबे का लोटा या चांदी का लोटा, तांबे का एक नंबर पर है, चांदी का दो नंबर पर है, क्योंकि जो ताम्र धातु है वो भगवान सूर्यदेव से निकली है। महादेव के लिए जल तांबे के लोटे से और दूध यदि चढ़ाते हैं तो वो चांदी या पीतल के लोटे से ज्यादा बढ़िया है। शंकर को भी जल तांबे के लोटे से एक नंबर है, ताम्र के से। भगवान भास्कर को जो आप जल देते हैं, ताम्र का लोटा हो या रजत या चांदी का लोटा हो, उसमें क्या क्या डालना है? गंगा जल डालो, गौ माता का कच्चा दूध डालो। तांबे के लोटे में भगवान को अर्घ देने के लिए दूध डाल सकते हो, लेकिन पीने के लिए तांबे के लोटे में भर के पी लिया तो पॉइजन बन जाएगा, दूध जहर बन जाएगा। एक भगवान के लिए मान्य थोड़ा सा दूध डालिए, उसमें थोड़े से श्वेत तिल डालिए, थोड़ी सी दुर्वा डालिए, लाल फूल डालिए, ये चीजें लेकर के फिर ऐसी जगह पर अर्घ दीजिए जहां किसी के पाम ना पड़े। नहीं तो एक पात्र रखिए, उस पात्र में अर्घ दीजिए, तुलसी में मत अर्घ देना, बहुत लोग तुलसी में ही अर्घ दे देते हैं। एक पात्र में अर्घ दीजिए, फिर पात्र के जल को किसी वृक्ष में ले जा करके डाल दीजिए, बहुत ज्यादा बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। कहा गणेश को नित्य पूजो,
सूर्य भगवान को रोज पूजो और भगवान विष्णु को रोज पूजो। आप जिस समय पूजा में बैठते हैं तो शुरुआत की एक स्तुति एक श्लोक मैं आपको बोलता हूं और समापन का भी बोलता हूं। पूजा में जब बैठो तो यहां से आरंभ करो और पूजा पूरी हो जाए तो इस श्लोक से इस स्तुति से पूरा करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। बहुत लोग इसको कहते हैं मंगलायतनो हरि, ये गलत है बिल्कुल। मंगलायतनम, और बहुत कहते हैं मंगलायस्तनम हरि, ये भी गलत है। मंगलायतनम हरि, यहां से अपनी पूजा आरंभ करें ये बोले। और लास्ट में जब पूजा पूरी होती है आरती के बाद क्या बोलना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। यहीं से वो पूरी हो जाती है।